हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज हम बात करेंगे लाइटनिंग के बारे में, यानी कि लाइटनिंग डिज़ास्टर, बिजली कड़कना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिजली जो है वो क्यों कड़कती है, ऐसे क्या चार्जेस जो हैं वो आते हैं जिसकी वजह से बिजली कड़कती है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे कि हम बच सकें, क्योंकि जब बिजली कड़केगी तो हार्म तो हो गई, प्रॉपर्टी हार्म प्लस ह्यूमन हार्म दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। और बिजली जो है वो एकदम से कड़क के एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर सकती है। तो अगर हम कोई प्रिवेंशन रखें, हम खुद को बचाने के लिए कुछ कर सकें, तो हम कर सकते हैं ना वो चीज़। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे हम अगर करते हैं तो हम खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है और अगर हम इसके जो कंट्रोल हैं, कंट्रोल्स अगर फॉलो करें कि इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं, तो हम बहुत हद तक इन एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। और अगर हम इसके अरेस्टर्स जो रहते हैं वो लगाएं तो हम अपने आप को बिल्कुल सेफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे फॉलो करें, अपना प्रिवेंशन जो है वो मेंटेन करें और इस तरीके के डिज़ास्टर से आप खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो लाइट है ये क्यों आती है, क्यों कैसे जनरेट होती है। तो जो लाइटर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं टॉप में, क्लाउड्स के टॉप में, उसके बाद हैवियर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं बॉटम में क्लाउड्स के, ठीक है। वो क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक लार्ज स्पार्क जनरेट करते हैं जिनकी वजह से बिजली कड़कती है, ठीक है। किससे कड़कती है, ये अकर होती है, मतलब उत्पन्न होती है दो चार्जेस के मिलने से। वो उसकी जो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद क्या होता है, बिजली कड़कती है, ठीक है। जब ये दो चार्ज अट्रैक्ट हुए, एक स्पार्क जनरेट हुआ क्लाउड्स में से, जिसे हम बोलते हैं बादल में बिजली कड़कना, ठीक है। देखिए इस तरीके से क्लाउड्स टू एयर, ये इसके नेगेटिव आयन्स पॉजिटिव आयन्स से ये अट्रैक्ट हुए और उसके बाद बिजली जो है वो कड़कना शुरू होती है, ठीक है। इस तरीके से ये आते हैं, इस तरीके से जनरेट होती है अप ड्राफ्ट और ये डाउन ड्राफ्ट। इस तरीके से ऊपर की तरफ आयन्स क्रिएट हुए, नीचे की तरफ क्रिएट हुए, उसके बाद बीच में से जो है स्पार्क जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये उसका प्रोसीजर होता है, इस तरीके से बिजली जो है कड़कती है। अब ये तो हमने बात की बिजली कड़कने की, अब हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए जहाँ भी आप हैं बिजली कड़क रही है, अगर आप उस जगह पे सबसे ज़्यादा ओपन एरिया पे हैं तो बिजली आपके ऊपर गिर सकती है, या फिर आप उस जगह पे जो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ट्री है या कुछ भी है जो सबसे ज़्यादा टॉल है, तो वहाँ बिजली कड़क सकती है। बिजली कड़केगी तो पर गिर सकती है, ठीक है, ओपन एरिया पर गिर सकती है और जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वहाँ गिर सकती है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम बच सकें, तो इसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अगर बाहर हैं तो आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढें कि जिससे आप खुद को मतलब सेफ कर सकें, अपना बॉडी जो है वो किसी में प्रोटेक्ट कर सकें, जैसे कि किसी कार में, कोई छोटी बिल्डिंग है उसमें, ठीक है। और कोशिश करें कि जब बिजली कड़क रही है और वो बंद हो जाए उसके 30 मिनट बाद ही आप बाहर निकलें, ठीक है। इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं जब आप किसी ओपन एरिया में हैं, क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म यानी कि जो बिजली है, जो लाइट है, लाइट और ये बिजली गिरना जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा किसके लिए डेंजर रहती है, जो बीच पे लोग हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले खुद को बैड वेदर देखते हुए खुद को सेफ करने की कोशिश करना चाहिए। खुद को सेफ कैसे रखें, तो उसके लिए आप खुद को प्रोटेक्ट करें, मतलब ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ आप छुप सकते हैं, ठीक है। अब ये बात तो हो गई बीच की, अब मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं और वो आपके उस एरिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, अब आप क्या करेंगे, अब वो तो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, अब उसमें तो आप ऑलरेडी रह रहे हैं, ऑलरेडी छुपे हुए हैं, पर अगर बिजली कड़कती है तो उस पर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो आप क्या करेंगे, तो उसके बारे में आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप लाइटनिंग अरेस्टर के यूज़ से अपनी उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली लाइटनिंग रॉड लगानी है, अर्थिंग आपको मेंटेन करनी है टर्मिनल से, और क्या कर देना है, नीचे से कनेक्ट कर देना है और ये ऊपर
लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा अगर बिजली इनकेस आपके घर पर गिरती भी है तो वो इस तरीके से गुजर के सीधे ज़मीन पर चली जाएगी और आपकी जो बिल्डिंग है उसको कोई हार्म नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। आप किसी कार में जा सकते हैं, किसी क्लियर वाटर बॉडी में जा सकते हैं, टॉल ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज़ अगर आप यहाँ पे हैं तो आप खुद को बचा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कभी भी ज़मीन पर नहीं लेटना है। जब भी आपसे बिजली कड़क रही है तो आपको ज़मीन पर ना लेटते हुए अपने आप को बचाना है। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर आपको नहीं बैठ जाना है क्योंकि वो ओपन एरिया पर भी गिर सकती है। ठीक है, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले, और कोशिश करें कि जब ये बिजली गिर रही है या बिजली कड़क रही है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए उस समय के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बाहर जा रहे हैं और आपके पास कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो हो सकता है उस पर भी बिजली अट्रैक्ट होकर आपके ऊपर ही गिर जाए। तो इन इलेक्ट्रिकल चीज़ों का यूज़ करना आपको अवॉइड करना है उस समय के लिए। ठीक है, तो ऐसी ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप करके आप इस तरीके के डिज़ास्टर से आप बच सकते हैं, वरना हर बार सुनने में आता है आज बिजली यहाँ गिरी तो इतनों की मौत हो गई। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं और दिमाग में रखते हैं सारी बातें कि जब बिजली गिरती है तो हमें किस तरीके की चीज़ें फॉलो करनी है, क्या अवॉइड करना है, किस तरीके से खुद को सेव करना है, तो आप खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए अगर आप इनको फॉलो करते हैं अपनी टॉल बिल्डिंग में, अगर आप ओपन एरिया पे हैं तो आपको ये करना है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को देख के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने ये आपको लाइटनिंग के बारे में बताया कि आप किस तरीके से लाइटनिंग अरेस्टर अपने घर में फ़िक्स कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपनी टॉल बिल्डिंग यानी कि हाई राइज बिल्डिंग को भी आप सेफ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको लाइटनिंग डिज़ास्टर के बारे में बताया। सो थैंक यू।